वेलकम आप सभी को। और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी अपना टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हम लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं क्या है कि हमारा जो टाइपिंग स्पीड होता है ना 10 से 15 वर्ड पर मिनट में आके रुक जाता है। तो आज मैं आपको कुछ नियम बताता हूं जिसका पालन करके आप सभी अपना टाइपिंग स्पीड को बढ़ा पाइएगा। देखिए, सबसे पहला नियम आपको क्या पालन करना है ना, कि जैसे आपको अगर कीबोर्ड अगर मिलता है तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, अच्छे से जानिए कि कौन सा बटन कहां पर आपका दिया हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलतियां यहां पे करते हैं, जैसे कीबोर्ड अगर मिलता है ना तो की का पहचान भी नहीं करते हैं कि कहां पर आपका जो है की दिया हुआ है, और उसके बाद क्या करते हैं, धड़ाधड़ जो है अंदाजी टाइप करना शुरू करते हैं। तो आपका पहला गलती यहीं पर स्टार्ट होता है, तो आपको बिल्कुल ये गलती नहीं करना है। आप सबसे पहले क्या करिएगा, कीबोर्ड का अच्छे से पहचान कर लीजिएगा कि कौन सा की मेरा जो है कहाँ पर दिया हुआ है, यानी ए कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, डी कहाँ पर है, यानी ए से लेकर के जेड तक के सभी की को आप क्या करिएगा, बिल्कुल बारीकी से देख लीजिएगा कौन सा की मेरा कहाँ पर दिया हुआ है। आप कीबोर्ड से दोस्ती कर लीजिएगा, अच्छे से पहचान आपका हो जाएगा। हड़बड़ाना तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, चूंकि ध्यान देना पड़ता है ना कि कौन सा उंगली से किसको आपको प्रेस करना है, आप क्या करिएगा, देखिए स्टार्टिंग में क्या करना है ना, देखिए टाइपिंग को अच्छे से सीखना है, शुरू से ही क्या करिएगा ना, स्पीड के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, शुरू से ही स्पीड के चक्कर में पड़ते हैं और अपना टाइपिंग को खराब कर लेते हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। अब क्या करेंगे ना, ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक ही उंगुली से तो सभी बटन को आप प्रेस करिएगा नहीं, तो ये ध्यान देना है कि कौन सा उंगुली से हम लोग कितने की को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे ना, एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चित्र के माध्यम से यहाँ पे समझाता हूँ ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपको जैसे देखिए अंगुली, यानी कि जितने भी अंगुली है, सबसे पहले आप क्या करिएगा, होम रो में रखिएगा और उसी से क्या करिएगा, अपर रो को टाइप करिएगा। होम रो मतलब ए एस डी एफ जी स्पेस क्लोन एल के जे एच स्पेस, ये हम लोग का टाइपिंग का पहला लेसन भी होता है। अब क्या करिएगा, उसी से आपको अपर रो और फिर नीचे क्या करना है, बटम जो रो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप इसको ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे क्या है ना कि कलर भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर रखा है कि कौन सा उंगुली से आप क्या करिएगा, कितने की को मैनेज करिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे ये हो गया लेफ्ट हैंड से, देखिए यहाँ पे जितना भी की को मैनेज करना है सभी के यहाँ पे कलर वाइज यहाँ पे करके यहाँ पे रखा हुआ है। अब क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड की अगर बात करेंगे तो राइट हैंड में जब अगर आइएगा ना, देखिए इंडेक्स वाले फिंगर से कितना को मैनेज करिएगा, उसी तरह से इधर राइट में आइएगा जैसे लिटिल फिंगर, तो जितना भी पिंक कलर में जितना भी हमारा दिया हुआ है सभी को हम लोग क्या करेंगे, लिटिल फिंगर से यहाँ पे इसको हम लोग मैनेज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक करके इसको समझते हैं। चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड में आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है मेरा, जैसे देखिए वाला लिटिल फिंगर है, तो लिटिल फिंगर में हम लोग क्या करेंगे ना, जितना भी यहाँ पे पिंक कलर में किया हुआ है जैसे कैप्सलॉक शिफ्ट हो गया, ये सभी को हम लोग लिटिल फिंगर से करेंगे। फिर ए वाला जो रिंग वाली जो फिंगर है, इससे हम लोग देखिए किसको करेंगे, जो ए वाला जो कलर किया हुआ है, ये सारे की को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैनेज करेंगे। फिर यहाँ पर आइएगा मिडिल वाले फिंगर में, इससे हम लोग क्या करेंगे, इतने सारे की को मैनेज करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करिएगा, आगे बढ़िएगा, इंडेक्स वाला जो हमारा जो फिंगर होगा उससे हम लोग इतने सारे की को मैनेज करेंगे। देखिए यहाँ, और यहाँ पे देखिए एक मैंने एक लाइन भी यहाँ पे कर रखा है ना, तो इससे लेफ्ट साइड में जितना भी होगा हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से हम लोग मैनेज करेंगे। राइट साइड में आइएगा, तो हम लोग राइट हैंड का यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे ए वाला मेरा है, देखिए इंडेक्स फिंगर से हम लोग क्या करेंगे, इतना सारा की को हम लोग मैनेज करेंगे। अब क्या करिएगा, देखिए ए वाला जो मिडिल फिंगर है आप इसी को प्रेस करिएगा, बहुत लोग अंदाजी प्रेस करते हैं। उसके बाद देखिए ए वाला जो हम लोग का क्या होगा, देखिए चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लिटिल फिंगर से हम लोग क्या करेंगे, इतना सारा हम लोग क्या करेंगे, जो पिंक कलर में जितना भी की दिया हुआ ये सभी को हम लोग मैनेज करेंगे। तो मैंने आपको बोला इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी से प्रेस करिएगा। अंदाजी प्रेस करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, गलतियाँ यहाँ पे क्या करते हैं, कर बैठते हैं। यानी कि क्या करिएगा, मिडिल फिंगर से जिसको प्रेस करना है उसको किसी और से कर देते हैं, या तो मान लीजिए जिससे आपको किसी और को करना है तो किसी और से कर लीजिएगा, तो ऐसा में तो नहीं होगा। आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि किस बटन को दबाने समय आप कौन सा उंगली को प्रेस कर रहे हैं, ये भी आपको बहुत आवश्यक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी मैंने आपको यहाँ पे कलर करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये भी आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब क्या करिएगा, जैसे हाथों का पोजीशन, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल ये परफेक्ट ऑप्शन है। आप क्या करिएगा, जब हाथ जब रखिएगा ना टाइपिंग करने के लिए, तो टेबल में पूरा नहीं सटाना है, हल्का सा क्या करिएगा जैसे सीधा रखना है। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल गलत है ना, कभी कभी लोग सटा देता है नीचे या तो ज़्यादा ही उठा देता है, तो ऐसे में भी आपका टाइपिंग स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा। या फिर तो मान लीजिए अंदाजी आपका क्या होगा, जिस उंगुली से जिस की को प्रेस करना है वो प्रेस नहीं होके क्या होगा, दूसरा आपका प्रेस होने लगेगा। तो हाथों का पोजीशन भी बिल्कुल आप क्या करिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब जैसे अगर बात अगर करेंगे हम लोग इसका सेटिंग का, जैसे आपका जैसे मान लीजिए सेटिंग पोजिशन जो होगा ना, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा। क्या बैठना आपको कैसे, बिल्कुल 90 डिग्री में क्या करिएगा, हमेशा स्टूल पर आप बैठिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं ना, झुक करके बैठ जाते हैं, या फिर तो क्या करते हैं जैसे दीवार में सट करके बैठ जाते हैं,
तो ऐसा करने से तो नहीं होगा। या तो अगर कंफर्टेबल चेयर है तो पीछे यहाँ पे नहीं सटना है, आप बिल्कुल 90 डिग्री में बैठिएगा और हाथों का पोजीशन जैसे मैंने आपको बताया उसके आधार पर रख के फिर क्या करना है आपको टाइपिंग करना जो है स्टार्ट करना है। तभी जाकर आप क्या करिएगा टाइपिंग को जो है ना स्पीडली कर पाइएगा और अच्छे से आपका टाइप हो पाएगा और ध्यान भी आपका क्या रहेगा उसी में आपका रहेगा, यानी टाइपिंग में रहेगा। अब क्या करिएगा, देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप क्या करिएगा, जिसको डेली 10 दिन तक आपको क्या करना है कम से कम 30 मिनट तक प्रैक्टिस करना है। जो लिखा हुआ है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, तो मैं आपको इसको किस लिए टाइप करने के लिए बोल रहा हूँ, कहा है कि ये जो सेंटेंस देखिएगा ना इसमें इंग्लिश का यानी ए टू जेड सभी वर्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। ए से लेकर जेड तक कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो आपको क्या होगा यहाँ पे छूट गया होगा। तो आप लोग क्या करिएगा ना इसको ध्यान से करिएगा और इसी शब्द को आपको क्या करना है डेली 10 दिन तक आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है। और कितना कितना देर तक करना है, डेली 30 मिनट तक करना है, यानी कि आधे घंटे तक आप करिएगा। इसको आप कैसे लाइएगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ना। आप लोग क्या करिएगा देखिए, जैसे वर्ड में क्या टाइप करिएगा इक्वल टू क्या करना है, जैसे देखिए बराबर दे लीजिएगा और उसके बाद क्या टाइप करिएगा रैंड, रैंड लिखने के बाद फुल स्टॉप दीजिएगा, ओल्ड लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन 1.1 डाल करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर लीजिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर क्या करिएगा इसी को आपको डेली प्रैक्टिस करना है। अब क्या करिए, चलिए बात करते हैं दूसरे नियम का। तो दूसरा नियम जो होता है ना जनरली आपको क्या करना है, देखिए टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए नियमित आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं ना एक आधो दिन टाइप करते हैं, एक दिन दो दिन तीन दिन किए उसके बाद छोड़ देते हैं, तो नहीं, आपको डेली क्या करना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि डेली आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप जितना भी देर के लिए करिए, आधे घंटे करने के लिए करिए या तो जितना भी देर करिए लेकिन करिए। अब क्या करिएगा जैसे मान लीजिए तो हो जाएगा, चलिए मान लीजिए दूसरा नियम आपको पालन करना ही करना है, काहे कि आपको डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब बात करेंगे जैसे तीसरा नियम का जिसमें आपको क्या करना है एक गोल सेट करना है। गोल सेट यानी कि आपको ध्यान देना है कि एक सप्ताह में आप जो है कितनी स्पीड से करनी है और आपको क्या करना है जैसे कितना करना है, ये आप जैसे अगर गोल अगर सेट कर लीजिएगा ना तो आप क्या करिएगा टाइपिंग को अच्छे से कर पाइएगा। क्योंकि अगर गोल अगर सेट अगर नहीं रहेगा तो आपको जो है टाइपिंग करना फिर से क्या होगा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गोल सेट कर लीजिए और गोल सेट करने के बाद फिर क्या करिए डेली जो है आप अपना क्या करिए प्रैक्टिस करिए। अब चलिए चौथा नियम का बात करते हैं जिसमें क्या करना है टाइपिंग गेम्स और कुछ ऐप का यूज करना है। अभी के समय में अगर देखिएगा तो बहुत सारे ऐप्स भी ऐसा उपलब्ध है जो आपको प्ले स्टोर में इजिली आपको उपलब्ध हो जाता है, तो आप क्या करिएगा मोबाइल में भी इसको इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और नहीं तो कंप्यूटर के लिए भी बहुत सारे क्या होते हैं टाइपिंग गेम आते हैं जिसमें क्या होता है टाइपिंग मास्टर भी आता है ना, जिसमें गेम का भी रहता है, आपको हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग उसमें सारा का सारा चीज़ आप क्या कर सकते हैं उसके माध्यम से अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा टाइपिंग गेम का इस्तेमाल जरूर करिएगा और थोड़ा थोड़ा क्या करना है उसके माध्यम से भी आपको क्या करना है प्रैक्टिस आपको करना है। तो यही आपका चार नियम था जिसमें देखिए ये आपका क्या है टाइपिंग गेम में देखिए जी एच एफ इस तरह का अलग अलग लेटर आते रहता है, आपको उसी को क्या करना है प्रेस करते जाना है। तो चलिए आज के लिए बस मैं आपको ये चार नियम बता रहा हूँ फॉलो करने के लिए, तो आप लोग ये चारों नियम को जरूर फॉलो करें और चारों नियम फॉलो करने के साथ साथ में टाइपिंग मास्टर का आप लोग जरूर क्या करिएगा यूज कर लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग मास्टर जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप सभी को इतना ही बताता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।